है और आज हम देखेंगे टॉकमी एप्लीकेशन कैसे बनाना। तो पहले गूगल क्रोम को जाके टाइप कीजिए stemdesi.in। अभी एंटर कीजिए। अभी साइन इन विद गूगल कीजिए। मैं अभी स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करने वाला हूँ। अभी प्रोजेक्ट का नाम देंगे टॉक टू मी। ठीक है, अभी एंटर दबाइए। एंटर दबाने के बाद आप ये स्क्रीन को जाएंगे और स्क्रीन में फर्स्ट यूजर इंटरफेस में बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और यूजर इंटरफेस से फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और बटन के पहले टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉप कीजिए। ठीक है, अभी बटन को क्लिक करके बटन का प्रॉपर्टीज में इसको रीनेम कीजिए स्पीक। ठीक है, अभी एंटर कीजिए। फिर बाद में यूजर इंटरफेस पैलेट में मीडिया को जाके टेक्स्ट टू स्पीच ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ठीक है, तो ठीक है अभी ब्लॉक्स पार्ट है, तो अभी ब्लॉक्स को जाके कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपने बटन वन को प्रेस किया तब टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी शब्द है वो टेक्स्ट टू स्पीच बाहर पड़ेगा। तो इसके लिए कोड क्या करेंगे, हम पहले जाके वन बटन क्लिक लेके फिर टेक्स्ट टू स्पीच को जाके कॉल टेक्स्ट टू स्पीच स्पीक क्लिक करके फिर टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट लेके इधर रख देना। उतना ही सिंपल कोड है। फिर आपको ये ऐप बिल्ड करना है तो कैसे करेंगे, इधर बिल्ड ऑप्शन को जाके अप्रूव ऐप क्यूआर कोड फॉर एपीके। ठीक है, क्लिक कीजिए। प्रोग्रेस बार 100 होने के बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। तो हाँ, ये क्यूआर कोड आप MIT ऐप कंपेनियन के साथ स्कैन कर सकते हैं और आपका ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू।